सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2024 की ऑल न्यू TVS अपाची 2V के बारे में। तो भाई कितने लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि कंपनी इस गाड़ी को 125 सीसी में लॉन्च करे, क्योंकि भाई अभी जो है ये गाड़ी आपको मिल जाती है 160 सीसी के साथ और आपको मिल जाता है 180 सीसी का वेरिएंट। तो भाई इसमें जो है आपको 125 सीसी बहुत ही जल्द देखने को मिल जाएगा। अगर आप लोग भाई वेट कर रहे हो ना कि आपको जो TVS की अपाची है ये बाइक आपको 125 सीसी में कब देखने को मिलेगी, तो यार भाई मानो तो आप लोग भाई इस साल के आखिर तक का वेट ज़रूर करना। और उसका भाई जो प्राइस होगा ऑन रोड वो लगभग जाएगा 1.30 लाख रुपीस के आसपास तक का ऑन रोड। और भाई ये गाड़ी आपको 2V और 4V दोनों ही वेरिएंट के साथ देखने को मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को यहाँ से कि आपको भाई मौजूदा जो 160 है RTR इसमें आपको क्या क्या चीज़ें मिल जाती हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को बाइक के फ्रंट से। तो फ्रंट में जो है बाइक में आपको कुछ ऐसे मिल जाते हैं LED के हेडलैम्प, और इसके जो DRLs हैं वो आपको बिल्कुल ही नए डिज़ाइन के देखने को मिल जाते हैं। तो एक बार इग्निशन को ऑन करते हैं, देखते हैं क्या कनेक्शन हुआ है। तो जो बाइक के DRL हैं वो कुछ ऐसे आपको देखने को मिल जाते हैं जो कि आप देख सकते हैं। तो DRL को जो है ऑफ़ कर देते हैं। बाकी जो बाइक का वाइज़र है वो आपको ग्लॉस ब्लैक में देखने को मिलेगा, ये अलग पार्ट है। यहाँ पर आपको मिल जाएगा लोगो, इंडिया का फ्लैग मिल जाएगा। जो बॉडी पैनल्स हैं वो आपको बहुत ही ग्लॉसी मिलेंगे, ये भाई रेड कलर के होने वाले हैं। लाइट से आपको थोड़ा सा पिंक कलर दिखने को लग सकता है। जो इंडिकेटर्स हैं वो आपको हार्ड मिलेंगे, जो कि आपको हैलोजन के इंडिकेटर मिल जाते हैं। बाकी यार इसका भाई जो यहाँ पर है आपको छोटा सा मिल जाता है फेक एयर वेंट वगैरह, जो कि किसी भी काम का नहीं है। और भाई इसमें कंपनी आपको ऑफ़र कर देती है सुपर मोटो ABS भाई, जो कि आप बाइक का जो ABS है इसे आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। बाइक का जो फ्रंट फेंडर है ये आपको मिलेगा ग्लॉस रेड, आपको मिल जाएंगे ग्राफिक कार्बन फाइबर टचअप के साथ। बाकी जो पीछे का पार्ट है वो आपको मैट ब्लैक में देखने को मिलेगा। और यार इसके भाई जो एलॉय व्हील्स हैं वो आपको हल्का सा ग्लॉस लगने वाले हैं। बाकी यहाँ जो है भाई इसमें आपको मिल जाएगी फ्रंट में ABS की रिंग, और इसका भाई जो फ्रंट का टायर है वो आपको मिल जाएगा 90/90/17 का। और ये जो टायर्स हैं आपको मिलने वाले हैं ट्यूबलेस। बाकी यार भाई ये गाड़ी आपको मिल जाती है फ्रंट में टेलिस्कोपिक सस्पेंशन के साथ। भाई अभी इस गाड़ी में कोई भी आपको फ्रंट में अपसाइड डाउन नहीं मिलता है, लेकिन इसके भाई जो अदर कॉम्पिटिटर्स हैं जैसे कि हीरो की एक्सट्रीम और बजाज की पल्सर N160 और NS 160, तो भाई उन सब में आपको अपसाइड डाउन मिल जाता है। तो भाई कंपनी इसमें भी आपको अपसाइड डाउन डेफिनेटली प्रोवाइड करा देगी। बाइक का भाई जो मीटर कंसोल है वो आपको मिल जाता है फुली डिजिटल भाई, जो कि इसको ऑन करें तो भाई जो कुछ कॉर्पोरेट है वो कुछ आपको ऐसा लगने वाला है। और इसकी जो थीम है वो आपने ऑलरेडी देख ही ली, तो भाई जो थीम है वो आप एक बार देख सकते हैं। बाकी जो है भाई फीचर आपको काफ़ी ढेर सारे मिल जाते हैं। बाइक की भाई जो स्विचेस हैं वो देख लेते हैं। यहाँ पर आपको मिल जाएगा इंजन किल स्विच, ऑन ऑफ मोड, सेल्फ स्टार्ट, थ्रोटल, हैंड बार। और भाई जो लीवर्स हैं वो आपको नॉन एडजस्टेबल कंपनी ऑफ़र कर देती है। इधर जो है भाई आपको मिल जाएगा हॉर्न, इंडिकेटर, अपर डिपर और पास। बाकी जो भाई डैशबोर्ड है वो आप एक बार देख सकते हैं। बाइक के भाई जो हैंडल बार्स है कंपनी वो आपको क्लिप ऑन के ऑफ़र कर देती है। भाई जो बीच का पार्ट है यहाँ पे आपको मिल जाती है ब्रांडिंग RTR 160 की, तो भाई ये पार्ट आपने देख लिया। बाइक की जो चाबी है वो आपको भाई नॉर्मल सी की मिल जाएगी, आपको भाई मिल जाएगी ब्रांडिंग TVS की, लोगो आपको मिल जाएगा TVS का, वो आप देख लो। बाकी भाई जो की स्लॉट है वो कुछ ऐसा रहने वाला है कि की स्लॉट को लगा देते हैं। और इसका भाई जो टैंक कैप है वो भाई आप देखो भाई यहाँ पर आपको मिल जाता है फ्यूल कैप। बाकी भाई आपको मिल जाएगी ब्रांडिंग E20 की। यहाँ पर जो है भाई कंपनी आपको देती है ब्लैक कलर की फेयरिंग का पार्ट। बाकी यार भाई ये जो की स्लॉट है ये अगर यहाँ होता तो ज़्यादा अच्छा लगता। बाकी भाई जो बीच के ग्राफिक्स है वो आप देख लो। यहाँ भाई आपको मिल जाएगी ब्रांडिंग 1982 की, जो कि भाई ये आपको हर एक बाइक में मिलेगा TVS की। जो भाई टैंक काउल है उस पर आपको मिल जाएगा हॉर्स का 3D में लोगो, जो कि आपको मिलेगा ब्लैक कलर का। बाकी यार भाई जो गाड़ी का टैंक है वो आपको बहुत ही बल्की लगेगा, वो आप बाइक देख सकते हैं कि बाइक का जो टैंक है वो काफ़ी ज़्यादा बल्की रहने वाला है। जो टैंक फ्लैप है भाई उस पर आपको मिल जाएंगे ग्राफिक्स, जो कि काफ़ी अच्छे डिज़ाइन के लगने वाले हैं। बाकी जो है भाई यहाँ पर आपको मिल जाएगा टचअप कार्बन फाइबर का। और इसका भाई जो इंजन है वहाँ पे आपको कंपनी ऑफ़र कर देती है इंजन काउल। बाकी जो है भाई आपको मिल जाती है TVS रेसिंग की ब्रांडिंग। और इसका भाई जो टैंक का इंजन काउल है वो आपको बहुत ही बड़ा मिलेगा। और भाई कंपनी जो भाई इस गाड़ी में भाई आपको कोई भी किक स्टार्ट का ऑप्शन नहीं देती है। और इसका भाई जो इंजन है वो आपको मिल जाता है 160 सीसी का। और भाई ये इंजन आपको मिल जाता है 5 गियर के साथ। माइलेज जो है लगभग आपको ये गाड़ी 52-50 का दे देगी और जो स्पीड है 130 के आसपास तक का देखने को मिल जाएगा। बाकी भाई जो इंजन है उसकी जो फिन्स है वो आपको बहुत ही बड़ी मिलने वाली है। बाइक का भाई जो लेग गार्ड है वो आपको मिल जाएगा स्प्लिट का। और भाई ये गाड़ी आपको मिल जाती है डुअल हॉर्न के साथ। बाकी भाई जो फ्रंट कैलिपर है वो आपको मिलेगा डुअल पिस्टन के साथ, जो कि आपको काफ़ी अच्छी ब्रेक की बाइट दे देगा। यहाँ जो है भाई आपको मिल जाता है गाड़ी का ऑयल फिल्टर, जो भाई ऑयल है वो यहाँ से पड़ेगा। और भाई इसमें आपको ऑयल जो है वो लगेगा 1000 ml। बाकी जो है भाई आपको मिल जाएगी ब्रांडिंग TVS की। जो साइड के भाई पैनल्स हैं यहाँ पर आपको मिल जाएगी ब्रांडिंग अपाची की। कुछ भाई आपको मिल जाएंगे टचअप के कार्बन फाइबर के, जो कि भाई ये सिर्फ एक प्लास्टिक है भाई, ये कोई भी कार्बन फाइबर असली में नहीं है। जो सीट काउल है भाई वहाँ पे आपको मिल जाएंगे ग्राफिक्स नीचे के साइड। बाकी भाई अगर ऊपर आएँ तो यहाँ पर आपको मिलने वाला है ग्राफिक RTR 160 का भाई आपको इंडिया का फ्लैग मिल जाएगा। इसके भाई जो ग्रैब रेल्स हैं वो आपको मिल जाएंगे स्प्लिट के। और जो सीट है भाई वो इस गाड़ी में आपको सिंगल पीस की मिल जाती है, लेकिन भाई जो सीट है वो आपको स्प्लिट की देखने को मिल सकती है। बाइक की भाई जो टेल लाइट है वो आप देखो तो भाई जो टेल लाइट है वो आपको मिल जाएगी LED की। जो भाई DRLs हैं टेल लाइट के वो आपको कुछ ऐसे मिलने वाले हैं। इसका भाई जो इंडिकेटर है पीछे का वो आपको मिल जाएगा सॉलिड, मतलब भाई ये जो है आपको फ्लेक्सिबल नहीं मिलेगा। जो भाई नंबर प्लेट है वो यहाँ प्लेस होगी। भाई लाइट आपको मिल जाएगी, आपको यहाँ मिल जाएंगे रिफ्लेक्टर्स। और भाई जो है यहाँ पर भी आपको मिल जाएंगे रिफ्लेक्टर। और भाई जो क्वालिटी है प्लास्टिक की वो बहुत ही अच्छी रहने वाली है। पीछे भी आपको मिल जाती है डिस्क ब्रेक, जो कि भाई पीछे आपको कोई भी ABS का ऑप्शन नहीं मिलता है, लेकिन भाई आपको डुअल चैनल ABS बहुत ही जल्द मिलेगा बेस मॉडल में भी। इसका भाई जो एग्जॉस्ट है वो आपको काफ़ी भारी साउंड प्रोवाइड करा देता है। जो भाई छेद है वो आपको काफ़ी बड़ा मिलता है। जो भाई पीछे के टायर्स हैं वो आपको मिल जाएंगे 110, 80, 17 के। और ये भाई जो टायर्स हैं आपको मिल जाएंगे TVS ब्रांड के। बाकी जो भाई आपको मिल जाएंगे ग्राफिक्स TVS रेसिंग के। जो भाई कैलिपर है वो कंपनी ने काफ़ी अच्छे से कवर कर दिया है। बाकी जो है भाई पीछे आपको मिल जाएगा डुअल सस्पेंशन भाई, जो कि ये आपको काफ़ी अच्छे मिलने वाले हैं, क्वालिटी काफ़ी अच्छी है भाई। और इसे आप जो है एडजस्ट वगैरह कर सकते हैं। और इसका भाई जो पूरा लुक है वो आप एक बार एक फ्रेम में चेकआउट कर लो। और भाई सेम ऐसी ही आपको अपाची 125 2V भी मिलेगी। और भाई सेम ऐसी आपको अपाची 125 4V भी कंपनी देने वाली है। अगर भाई इधर आएँ तो यहाँ पर आपको मिल जाता है साड़ी गार्ड लेडी फुटरेस्ट, जो कि भाई ये आप किसी और बाइक में भी लगा सकते हो भाई, जिन बाइकों में नहीं आता है। तो भाई ये वाला लेकर आप लोग पल्सर 150 में और पल्सर 220F में लगा सकते हो भाई। बहुत लोग परेशान होते हैं कि भाई उसमें नहीं आता है, तो भाई आप इस गाड़ी का लेके 220F में और पल्सर 150 में लगा सकते हो। बाकी भाई सारी चीज़ें आपको इधर से भी सेम लगने वाली हैं। तो भाई अगर आपको भाई ये बाइक परचेज़ करनी हो तो भाई आप लोग शोरूम पे कॉल वगैरह कर सकते हैं भाई। नीचे आपको मिल जाएगा कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस, डिटेल्स। तो भाई मिलते हैं किसी और वीडियो में। बाकी भाई जो बाइक का प्राइस है वो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो यार भाई लाइक कर देना वीडियो को। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय।